आज हम बात करेंगे हस्त नक्षत्र के बारे में, और उसको समझने के लिए हम सावित्री सत्यवान की कहानी सुनेंगे। सावित्री सत्यवान की कहानी काफी जानी मानी है लोगों के बीच, बट ये इसका विस्तार में हम ये कहानी को बोलेंगे। तो भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थे, और उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां भी दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रखा। इसके बाद सवित्र भगवान ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या होगी। सावित्र भगवान की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर ना मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे, तो उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेज दिया। तो सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा धूमत सेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्म है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जानी है। तो ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति और भी ज्यादा चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने किस जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपनी जीवन साथी बनाना हो। तो इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं, और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। तो राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंची। पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान के मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान जिस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए, और साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसने उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा, और दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आए। सावित्री अपना भविष्य भी उस समय समझ गई थी कि क्या होने वाला है। तो सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे, और यमराज अपने साथ सत्यवान को लेके जाने लगे। तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणा को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। तो सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी है और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। तो यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, और जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कह दिया। तो दूसरा वर सावित्री मांगती है कि हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। तो यमराज ने सावित्री को कहा, यह वरदान भी दे दिया और कहा कि ऐसा ही होगा। फिर भी सावित्री ने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा, और फिर यमराज उस सावित्री से तीसरा वर मांगने को कहता है। तो इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका भी वरदान सावित्री को दे दिया। फिर अंत में सावित्री कहती है कि प्रभु, मैं पतिव्रता पत्नी हूँ, और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े।
यमराज अंत ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। तो सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता की दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। सो दिस वाज क्वाइट अ हैप्पी एंडिंग। हाँ, कहानी में काफी चुनौतियां झेलनी पड़ी सावित्री को। शादी के लिए भी उनको जंगल में घूमना पड़ा और शादी के बाद भी। तो यही एनर्जी है इस नक्षत्र की, हस्त नक्षत्र की। यहाँ काफी चुनौतियां आती हैं। तो फाल्गुनी किस भाग में आती है, शादी के भाग में या जहां भी जिस भी घर में ये नक्षत्र है वहां चुनौतियां आएंगी। तो फाल्गुनी नक्षत्र में आप सुख भोग चुके हो, तो अभी फिर से आपका जो मेरिट कह सकते हो, पुण्य कह सकते हो, खत्म हो गया। तो अब दोबारा से चुनौती आपको झेलनी पड़ रही है। तो ये जो छवि दिखाई गई है कि वो जंगल में घूम रही है, तो ये कंफ्यूजन भ्रम का प्रतीक है और चुनौतियों का भी। तो ये एनर्जी यहाँ इस नक्षत्र में रहेगी, कंफ्यूजन रहेगा क्या करना है और दिक्कत आती रहती है। लेकिन एक बार जब सर्टेनिटी आता है तो बस आप उसी से उसी पेज अड़े रहते हो। हाँ, तो इसमें दृढ़ता की जरूरत है, परसेवरेंस जो बोलते हैं। तो जैसे सावित्री ने यमराज के पीछे वो दृढ़ रही कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो वो फिर आप दृढ़ता से ही उसको हल कर सकते हो। और ये दृढ़ता भी इतना ज्यादा दृढ़ था कि वो यमराज के पीछे चली गई थी। हाँ, तो दृढ़ता लगती है। उस यमराज के पीछे तो अच्छे खासे का नहीं चलता है, लेकिन उसका दृढ़ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि तो केवल दृढ़ता भी नहीं थी, भक्ति भी थी, जो डिवोशन था पति की तरफ। तो उस चीज जो भी आप पाना चाह रहे हैं उसकी तरफ डिवोशन रखेंगे तो फिर, और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो वो चीज फिर मिल जाती है। ये यहाँ पे प्रतीक है। तो इसकी जो शक्ति होती है वो हस्त स्थापनीय शक्ति बोलते हैं, मतलब आपके सीधे हाथ में आ जाती है अगर आप दृढ़ता और भक्ति से आगे बढ़ेंगे तो। इसमें इनके ससुर का राज्य भी छिन गया था, तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि संसाधनों की कमी रहती है, तो वो आपको अच्छे से उसका इस्तेमाल संसाधनों का करने को या सीखने को मिलता है। लेकिन सावित्री के पिता तो इतने अमीर थे। पिता अमीर थे, पर वो जहाँ गई फाइनली उन के जो पिता थे सत्यवान के, उनका राज्य छिन चुका था, तो जंगल में रहना पड़ा। तो ये संसाधन से रिलेटेड चुनौतियां भी आती है। अच्छा, संसाधन उसको पहले नहीं था, लेकिन वो चॉइस करने के बाद वो चुनौतियां आई। हाँ, तो चॉइस के बाद की ही मेन कहानी है। फिर जब यमराज से आशीर्वाद मिल गया तो फिर वो भी दिक्कत सही हो गई। और फिर काफी कुशलता भी लगानी पड़ती है, केवल दृढ़ता और भक्ति के साथ साथ कुशलता भी लगती है। तो इन्होंने भी बहुत कुशलता से वरदान मांगा, तो वो भी यहाँ पे सीख मिलती है। और खासकर कार्य में कुशलता और खासकर वाणी में कुशलता होना बहुत जरूरी है इस नक्षत्र में। उन्होंने बोला कि क्या बोला था कि मुझे 100 पुत्र का वरदान दो। लास्ट में तो ये कुशलता की जरूरत है। तो इसमें सावित्री का जो दृढ़ता है वो काफी, मतलब एवरीबॉडी विल उसी को पकड़ेंगे दृढ़ता को, लेकिन आप भक्ति भी बोल रहे कि उसके साथ उसका भक्ति भी था, तो उस पे आप एक्सप्लेन। हाँ, पति के ऊपर की तरफ भक्ति था ना, वरना फिर दृढ़ता आएगी कहाँ से? उसका रूट जब मूल तो भक्ति में ही है। तो मतलब जो भी चॉइस हम लोग मनाते हैं उसके तरफ पूरा डिवोशन होना हाँ, चाहिए, तब जाके वी विल हैव एन हैप्पी एंडिंग। हाँ, नॉट जस्ट डिवोशन बट युक्ति भी, क्योंकि वो डिवोशन, हाँ, भक्ति, दृढ़ता और युक्ति, ये तीनों दिखाया है। फिर
हाँ तो मतलब अब सीधे सीधे टेढ़ी, कभी कभी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, जो कहावत है केवल भोले बन के काम नहीं चलता जब चुनौतियां आती हैं। और ये भी सावित्र भी जो भगवान है जिनके नाम पे सावित्री का नाम पड़ा, सावित्र भी अदिति के ही पुत्र है। तो अभी तक के जितने भी हमने पिछले दो भी देखे, आर्यमा भगवान, भगवान और अभी सवित्र भगवान, ये सब माता अदिति के पुत्र हैं। तो जो हमने अदिति की एनर्जी देखी थी कि विनम्रता थी, और विनम्रता से ये सारी गुण अब हमको देखने को मिल रहे हैं। इसमें ये भी है कि समस्या आपको बहुत बड़ी दिखाई दे सकती है, चुनौती आती है तो वो 20% को मन 200% बना लेता है। तो ऐसा ज्यादातर होता नहीं है कि इतना बड़ा चुनौती आए, तो यमराज की तरह ही दिखने लगती है कि मर ही जाएंगे, पर उसको आप हैंडल कर सकते हो, संभाल सकते हो। इसमें अगर पीड़ित है, ऊर्जा कम है हस्त नक्षत्र में, तो फिर लोग ज्यादा शिकायत करते हैं, फिर कुछ एक्शन नहीं लेते, कर्म करते नहीं है, बस शिकायत करते रहते कि ये खराब है वो खराब है। तो यहाँ पे कार्यरत रहने की भी जरूरत है, और मंत्र का भी यहाँ बहुत स्थान माना गया है। तो जैसे कहानी में भी सावित्री के पिता ने ऐसा बोला कि कई साल तक मंत्र अच्छा किया, फिर उनको पुत्री हुई। तो मंत्र से भी यहाँ पे काफी उपाय दिए गए हैं। तो जो शब्द है सवित्र, वो संस्कृत में ऊर्जा, रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, पर यहाँ पे जो ऊर्जा है वो चुनौती को खत्म करने में जा रही है। तो प्रेरणा और अच्छे विचार उसको हल करने के लिए वो सवित्र भगवान की कृपा से आते हैं। और गायत्री मंत्र में ये करते भी हैं प्रार्थना कि हम सबको अच्छी बुद्धि और अच्छी बुद्धि दें, हमारी बुद्धि भगवान में लगी लगे। रहे। और हाथ का तो सिंबल है ही, तो हस्त नक्षत्र है, तो कुशलता, हाथ का प्रतीक कुशलता के लिए किया जाता है। और ये वैसे भी हस्त हाथ के कलाओं में कुशल होते हैं, फिजिकली भी, तो चित्रकारी, पेंटिंग वगैरह या मूर्ति कला, ये सब इन लोगों को देखा गया है। तो जैसे आपने अभी बोला कि इसका जो इसमें जो एनर्जी होता है वो जी ज्यादातर स्ट्रगल्स में वेस्ट हो जाता है, तो वेस्ट जब तो नहीं चला कहेंगे पर हाँ जाता है हाँ उसी पे आहुति होता है। तो अगर वो लोग मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन है जिसमें उनको स्ट्रगल करना है, तो क्या वो अपना रचना वाला मतलब क्रिएटिव एनर्जी छोड़ देते हैं एंड नहीं नहीं दे वो आपको विचार आ रहे हैं अलग अलग तरीके की, इस तरीके से इस दिक्कत को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, ओके okay. युक्तियां आ रही हैं। तो सवित्र भगवान को सुबह के सूरज से भी जोड़ा गया है। तो एक उपाय ये देते हैं कि आप सुबह उठ के 40 दिन तक सुबह के सूर्य को अर्घ चढ़ाएं। हाँ, और जो एक सक्रिय करने की ऊर्जा होती है, जब आप कुछ भी नया, कुछ भी बहुत सारी दिक्कत आ जाती है, तो कोई उसको सॉल्व करने के लिए जो पहला आपको स्टेप लेना होता है, वहाँ लेने में लोग बहुत डरते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी आप बोलते हो। तो एक बार आपने स्टार्ट कर दिया फिर तो हो जाता है। तो वो जो ऊर्जा आती है वो सवित्र भगवान की कृपा से आती है, और ये उपाय दिए गए हैं उसके लिए, एक्टिवेशन एनर्जी। और इसमें ये भी भगवान याद दिलाते हैं कि हल्का रहना जरूरी है, प्रसन्न चित्त से आप करेंगे तो ज्यादा चांस है अच्छे से सॉल्व हो जाए, दुखी हो जाएंगे तो और आपने प्रॉब्लम बढ़ा ली। तो इसलिए इसका जो ग्रह है इसके साथ चंद्रमा को जोड़ा गया है, तो जो हल्का और प्रसन्न प्रसन्न चित्त का प्रतीक है। तो इसमें जब सावित्री वो चुनाव करती है और उसके जब पिताजी परेशान होते हैं, तो वो एक चीज बोलती है कि आर्य कन्या सिर्फ अपने वर एक बार चुनती है, उनको पंडित एक बार विवाह करवाते हैं और पिता भी एक बार कन्या दान करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसमें यहाँ ये प्रतीक है कि अब दिक्कत आई तो भागना नहीं है, एक फोकस से उस पे लगे रहना है।
तो ये दर्शाया गया है। फिर इसमें एक उपाय जो आप यज्ञोपवीत का सेरेमनी संध्या वंदनम का होता है वो भी बताया गया है, वो भी आप कर सकते हो। तो ये सारी बातें हैं। तो उत्तर पूर्व फाल्गुनी में आप पूरी तरह से आप एंजॉय कर रहे थे, भोग रहे थे सुख। फिर उत्तर फाल्गुनी में थोड़ा मिक्स हुआ था, थोड़ा एंजॉय भी था, थोड़ा दिक्कत भी थी। और अभी बस, हाँ फिर से चुनौतियाँ आप बट मैनेज इसका भी कर। रिजल्ट अच्छा ही है, लाइक हैप्पी एंडिंग ही हुआ है उसको, तो सब मिल गया, राज हाँ अच्छे, मतलब उनके मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ भी, कभी आंख का रोशनी वापस आ गया, उसका पति भी उसको मिल गया। हाँ एंडिंग तो अच्छा ही होता है। अगर अच्छा एंडिंग नहीं है तो वो एंडिंग नहीं मानते फिर। हाँ अच्छा हाँ और तो ये है ऐसा इसमें कोई चा... आप हाँ चार्ट्स देख लेते हैं। तो ये काफी सरल है। तो जहाँ भी जिस भी घर में आपको ये नक्षत्र मिलेगा वहाँ थोड़ा संघर्ष रहेगा या वहाँ थोड़ा झगड़ा वगैरह इस तरह का रह सकता है। तो एक चार्ट है जहाँ इनका चंद्रमा ही हस्त नक्षत्र में है, आठवें घर में है। तो आठवें घर में थोड़ा दिक्कत आता है। तो ये पेंटिंग करते हैं पर एज शौकिया तरीके पर करते हैं, इन्होंने एज अ प्रोफेशन नहीं लिया है क्योंकि वो आठवां घर पूरी तरह से करने नहीं देता। तो ये एक एग्जाम्पल है। फिर अगर एक दो चार्ट हैं जहाँ 11वें घर का स्वामी या दूसरे घर का स्वामी हस्त नक्षत्र में, तो इन लोग को पैसा धन अर्जित करने में काफी इनको प्रयत्न करना पड़ता है और धीरे 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 ही धन अर्जित होता है, समय लगता है और जितना अपेक्षा रहती है उतना हो नहीं पाता। तो ये है। ऐसे ही एक दिन का चौथे घर का स्वामी अस्त में, तो इनको काफी अपनी माता की सेवा करनी पड़ती है। तो सेवा भी एक उपाय बताया गया है यहाँ पे। तो इस तरह का है, जिस भी घर में है उस घर में सेवा करने की जरूरत है बेसिकली, ये बात है। तो और कोई सवाल? ठीक नहीं अभी तक, अभी इतना ही। है तो नेक्स्ट फिर सवाल ये है कि नेक्स्ट कौन सा स्टोरी हम लोग बताएंगे और हाँ किस तो नक्षत्र नेक्स्ट की? अगला नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, जिनके देवता हैं विश्वकर्मा। तो वो देखेंगे अगले वीडियो में।